एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपको मेरा पूरा दिन दिखेगा। तो मैं मॉर्निंग में अराउंड 5 बजे उठी थी और ये आसमान देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सुबह में बर्ड्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हाँ फिर भी आते हैं। और वो जो चहचहाने का आवाज़ होता है ना, वो सुन के बहुत काम फील होता है। एंड आज आपको मेरा वॉइस भी थोड़ा सा डल लग रहा होगा क्योंकि मुझे बैक पेन है एंड मेरे थाई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसके वजह से अभी तो मैं बेड पे ही पड़ रही हूँ और इसी वजह से मैं लाइव भी नहीं जा पा रही। लेकिन ये जिस दिन का वीडियो है ना, उस दिन मैं बिल्कुल सही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये मुझे कल से हुआ है क्योंकि कल शाम को मैं साइकिल चला ली थी और उससे पहले सुबह में बहुत ज़्यादा हेवी में वर्कआउट भी कर ली थी उसके वजह से। तो एक दो दिन में सही हो जाएगा। अभी मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ और मैं मॉर्निंग में आइसिंग करती हूँ फेस को, जैसे कि आप लोग भी चाहो ना तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग आइस क्यूब को तो हाथ में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उससे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो चाहो तो एक आइस रोलर यूज़ कर सकते हो। तो मैं आइस रोलर मीशो से ऑर्डर की थी एंड मैं उसको लगाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। एंड बस आज के लिए मेरे वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि मेरा गला पूरा ख़राब हो गया है। मेरे को अगर थोड़ा सा कुछ इशू होता है ना तो वो चीज़ मेरे गले पे इफ़ेक्ट करता है। अभी मुझे बैक पेन है लेकिन वो मुझे गले पे इफ़ेक्ट कर रहा है, मेरा गला पूरा बैठ सा गया है। और ये जनाब सुबह सुबह परेशान कर रहा था बाहर जाने के लिए, वो तो रेगुलर है। और इसी दिन मैं बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट की थी, उसकी वजह से मुझे बैक में प्रॉब्लम हो गया। मेरा क्या है ना, वर्कआउट के समय मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा लाइक फ्लेक्सिबल है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैं शावर वगैरह लेके आ गई और यहाँ पे मैं हलवा खा रही हूँ। तो बिहार में इसको मड़ुआ का आटा बोलते हैं, मे बी किसी को पता होगा। चिकू चिकू, ए चिकू। और ये ना जगह है लेकिन ये जानबूझ के नहीं सुन रहा। ठीक है फिर तुम मत सुनो, मैं पिपिया से जा रहे हैं और घूमने भी चले जाएंगे, बस चिकू नहीं जाएगा, मैं और मम्मी जाएंगे सिर्फ। इसका ना एक बचपन से हैबिट है, या तो ये पैर के पास सोएगा नहीं तो चेयर के पास होता है। तो देखिएगा ना कि जैसे दीदी पढ़ के उठ के नहाने गई है और मैं आके देखूंगी रूम में, तो वो चेयर के बीच में ऐसे सोता रहता है। फिर मैं डर से ना चेयर को इधर कर सकती हूँ ना उधर कर सकती हूँ। फिर बहुत बोलने पे, बिस्किट देने पे वहाँ से उठेगा और फिर अटता है, नहीं तो वो चेयर के बीच में ही सोता है। पता नहीं उसको क्या मिलता है वहाँ पे, नहीं तो फिर मम्मी के पैर के नीचे सोता है। बचपन से सोता था लेकिन अभी इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है फिर भी सोता है वैसे ही। और मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर कर रही थी क्योंकि अभी मेरा मैं अपना एक प्रॉपर रूटीन बना ली हूँ कि मैं चाहे कितने भी लेट से अपना स्टडी स्टार्ट करूँ बट मैं मॉर्निंग अपना न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट करूँगी। बस मेरा यही है कि मुझे इस बार के अटेम्प्ट में कोई भी गलतियाँ नहीं करना है, मुझे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं बेड पे टैब लेके आई थी, सोची कि मैं मैगजीन कर लूँगी बेड पे बैठे बैठे, ज़्यादा नहीं था, मतलब मेरा टारगेट है कि 15 पेज एक दिन में करना है।
तो मैंने 10 पेजेस कर ली थी, 5 पेज बाकी था और, तो मैं सोची कि अभी बेड पे लेटे लेटे मैगजीन करती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी। तो मैगजीन को कौन पूछे, यहाँ पे मैं सो गई थी और मेरा आईपैड भी लो हो गया है, ऑफ हो गया है पूरा। चलो फिर ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। एक चीज़ है, मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा दिन में सो लो ना तो अच्छा सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं शेक बनाई, क्योंकि मैं शायद बहुत वीडियोस में भी बताई हूँ, बहुत क्या, एक दो में, कि मैं अभी वेट गेन कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे शेक पीना पड़ता है। वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी कभी कभी मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर ट्राई करती हूँ कि मैं पीऊँ। और फिर मैं यहाँ पे इन वॉमेंट का नोट्स देख रही थी, क्योंकि क्या था ना कि मैं सोची कि बुक रीड करूँगी उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँगी, बट पर्सनली ये वाला प्रोसेस मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है कि बुक रीड करो फिर नोट्स बनाओ। तो मैं ऐसे फॉलो करती हूँ, एक टॉपिक लिया, उसको 2-3 बार उसी समय मैं पढ़ती हूँ, फिर उसमें से कुछ कुछ जो भी मुझे लगता है कि इसको नोट डाउन करना चाहिए उसका मैं नोट्स उसी समय बना लेती हूँ। और उसके बाद जब भी मैं सेकेंड रीडिंग करती हूँ तो सेकेंड रीडिंग में मैं बुक और नोट्स दोनों साथ साथ करती हूँ, और थर्ड रीडिंग में मैं सिर्फ नोट्स करती हूँ। तो मेरा जो मतलब ये जो तरीका है ना, मे बी किसी को थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगे, बट हाँ मेरे लिए ये कंफर्टेबल है और इजी भी है। और यहाँ पे मैं GS2 का राइट स्मार्ट का कोर्स कर रही हूँ, तो अभी मैं मतलब 6 घंटे में अपना जो मेंस वाला पार्ट है उसको करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 6 घंटे में मेरा मेंस और प्रीलिम्स दोनों रहता है, 3 घंटे मेरा प्रीलिम्स का रहता है पूरा, फिर 1 या 2 घंटे मैं ऑप्शनल को भी दे रही हूँ। और जो भी क्लासेस रहता है ना, तो क्लासेस करने के बाद मैं उसी से मैं PDF से रिवीजन भी कर लेती हूँ, क्योंकि देखो क्लास कर लोगे और उसके बाद अगर रिवीजन करने बैठोगे ना, मतलब 2-3 घंटे के ब्रेक लेने के बाद, तो तुम्हारे माइंड में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो क्लास करो और साथ साथ रिवीजन भी करते जाओ, मतलब क्लास ख़त्म हुआ फिर मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं तुमको रिवीजन करने में। तो बस इतना ही, एंड इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।